हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये है केक और ये मैंने एगलेस केक बनाया है अपने घर पर। तो आपको देखने में कैसा लग रहा है? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आने वाला आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मार्केट के जैसा है टेस्ट में और बहुत कम सामान के साथ मैंने इसको बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट, सुपर स्पंजी, टेस्टी केक बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने इसको डेकोरेट करने में बहुत ही जल्दी की है, क्योंकि वो केक को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे, तो मैंने बहुत ही जल्दी इसको डेकोरेट किया है। अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसा केक बनके हमारा तैयार हुआ है ना, बिल्कुल बाजार जैसा, ये देखिए। तो फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है 150 ग्राम मैदा, यानी 150 ग्राम मैदा ली है। मैदा को छन्नी में डाल लिया है छानने के लिए। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। इसको छानना ज़रूरी है, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको डाल लेंगे बाउल में, मैंने बाउल में डाल लिया जिसमें हम बैटर बना के तैयार करेंगे। 75 ग्राम डालेंगे शुगर पाउडर, यानी शुगर पाउडर आप अपने घर पे बना सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 इलायची भी डाली है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ सके केक में। अगर आपके पास वनीला एसेंस है और आप पसंद करते हैं तो आप बैटर बनाते समय 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल लें। दही डालेंगे 75 ग्राम दही डालेंगे। याद रहे कि दही आपका फ्रेश हो, पुराना दही ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे, यानी हमने जितनी दही ली है उसका आधा हम ऑयल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स मैंने कर दिया है। दूध ऐड करेंगे। दूध हम लेंगे रूम टेम्परेचर का, गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। दूध का ध्यान रहे कि रूम टेम्परेचर का ही हो। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी थिक लग रही है, यानी गाढ़ी लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा सा इसमें दूध और डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। 2 से 3 चम्मच दूध और ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये ध्यान रहे कि एक तरफ ही इसको हमें मिक्स करना है। ऐसे नहीं कभी इधर इसको घुमाया, कभी उधर भी इसको घुमाया, ऐसे नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये आप काला काला देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इलायची है। इलायची आपको दिख रही होगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इलायची से। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। आप कंसिस्टेंसी को ज़रूर देखें। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बैटर की अच्छी नहीं हुई तो आपका केक स्पंजी नहीं बन पाएगा। फ्रेंड्स, केक मोल्ड लेंगे और केक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज़ करें, अदरवाइज आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। सूखी मैदा डाल के अच्छे से डस्ट कर सकते हैं चारों तरफ से। तो मैंने बटर पेपर सेट कर दिया है, ऑयल से ग्रीस कर देंगे बटर पेपर को भी और बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैटर डालेंगे, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। सारा बैटर इसमें डाल देंगे और इसको फिर टैप करेंगे। 2 से 3 बार इसको टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाएं। अगर एयर बबल्स नहीं निकले तो आपका केक सही से नहीं फूल पाएगा अच्छे से। इसको हम बनाएंगे ओटीजी में। तो ओटीजी को मैंने प्रीहीट कर लिया है पहले ही 5 मिनट के लिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको प्रीहीट किया है। तो केक बेक होने के लिए रख देते हैं। केक को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। अब इसमें टेम्परेचर और टाइम सेट कर देंगे। तो टेम्परेचर हमें वही रखना है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इसका टेम्परेचर रखना है। और इसकी हमें ओटीजी की नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी है, नीचे वाली करेंगे ताकि प्रीहीट
अच्छे से हो, इसमें हीट अच्छे से लगे, और 30 मिनट के लिए टाइम सेट कर देंगे। 30 मिनट में हमारा केक बेक होकर के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, और 20 मिनट बाद अभी मैं आपको केक दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये देखिए केक फूल के तैयार हो गया है। तो अभी इसको 5 से 10 मिनट और लगेंगे बेक होने में, तो 5 से 10 मिनट भी हो चुके हैं। मैं अभी खोल के निकाल के आपको दिखा देती हूँ। बाहर निकाल लेंगे इसको, बी केयरफुल होके निकालना है। कूलिंग रैक पे रख देंगे निकाल करके। ये देखिए ओटीजी को मैंने बंद कर दिया है पहले, तब निकालना है, कि ओटीजी ऑन नहीं छोड़ना है। मैंने इसको कूलिंग रैक पे रख दिया है, और आप केक देख सकते हैं काफी अभी गर्म है। ठंडा हो जाने देंगे, तो ठंडा ये हो चुका है। अब एक नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से केक को डीमोल्ड करेंगे। वैसे तो अपने आप ही ये साइड छोड़ देता है, लेकिन फिर भी एक बार आप नाइफ लें और धीरे धीरे साइडों से घुमा दें, ताकि केक निकलने में आसानी हो। तो कोई भी आप प्लेट या कोई भी टर्न टेबल पे आप निकाल सकते हैं। इसको थपथपाएंगे 3 से 4 बार, और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। बटर पेपर हटा देंगे, धीरे धीरे हटाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर निकाल देंगे, बहुत ही स्पंजी लग रहा है देखने में। तो ये अभी हम वीडियो में देखेंगे कि कैसा बना है। बटर पेपर को मैंने निकाल दिया है, काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स इसके अंदर से, काफी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, केक का बेस बनना ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बेस सॉफ्ट ना बने तो केक में वो टेस्ट नहीं आ पाता मार्केट जैसा। तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बन के तैयार है ये। ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो खुद ब खुद ये उसी जगह पे जा रहा है जैसे ये पहले था, वैसे हुए जा रहा है। अब इसको 3 लेयर में, बराबर लेयर में कट कर लेंगे, इसकी आइसिंग करेंगे। तो उससे पहले इसको कट कर लिया है मैंने, 3 पीसेस में डिवाइड किया है मैंने इसको, और अब इसकी आइसिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप लेयर, 3 लेयर हैं इसकी, मैं 3 लेयर केक बना रही हूँ। तो टर्न टेबल लेंगे, और टर्न टेबल पे सबसे पहले हम लगाएंगे क्रीम। क्रीम को मैंने पहले व्हीप करके रख लिया है फ्रेंड्स। व्हीप करने की वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर आपको क्रीम की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब इस पर अप्लाई करेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप को मैंने पहले ही बना के ठंडा कर लिया है, और ब्रश से इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर सिरप से क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जो इसके थोड़ा सा मिठास बढ़ जाता है इससे। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता शुगर सिरप, अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा ना बनाएं। शुगर सिरप मैंने अप्लाई कर दिया है, अब इस पे अप्लाई करेंगे क्रीम। क्रीम लेंगे और अच्छे से इसको कवर कर देंगे क्रीम से। क्रीम अप्लाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्रीम अच्छे से अप्लाई करनी है। कोई भी आप पैचुला ले लें, या आपके पास बड़ा वाला नाइफ है, आप उसकी हेल्प से भी आइसिंग कर सकते हैं केक की। अच्छे से पैचुला से करेंगे, ताकि क्रीम से अच्छा सा टेस्ट आए, बिल्कुल भी कंजूसी ना हो क्रीम लगाने में। टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और क्रीम लगाते जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें 3 लेयर लगानी है। जब इसको पूरा कवर कर देंगे तो 2री लेयर रखेंगे, फिर 2री लेयर को कवर कर देंगे तो 3री लेयर रखेंगे। इसी तरीके से हमें सारी लेयर कवर करनी है, और फिर उसके बाद इसकी डेकोरेशन करनी है। ये देखिए
फ्रेंड्स, ये आप पैचुला देख रहे हैं, टर्न टेबल देख रहे हैं, ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दूसरी लेयर मैंने लगा दिया, दूसरी लेयर को भी इसी तरीके से क्रीम से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने तीसरी लेयर भी लगा दिया और पूरे केक को कवर कर देंगे। मैंने पूरा केक कवर कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने बताया ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी वजह से मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ रही है इसकी डेकोरेशन। तो फटाफट से इसकी आइसिंग करेंगे। क्रीम लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सुपर सॉफ्ट केक बनके तैयार होता है। बस आपको इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है कि आप कोई भी मेजरिंग कप ले लें और उससे आप मेजर करें, ताकि इंग्रेडिएंट्स आपके बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स केक में बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा हुए तो हो सकता है आपका केक ख़राब हो जाए। अच्छे से मैंने इसकी आइसिंग कर दी है और आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया है अच्छे से क्रीम से। तो पाइपिंग बैग लेंगे और पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को फिल कर लिया है। अब इसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। नोज़ल मैंने लगा ली है और मैं इस पर छोटे छोटे स्टार बना रही हूँ और ऊपर इस पर कुछ फ्लावर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर बना दिए हैं। अभी मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, जो स्पेस बचा हुआ है मैं उसमें बना के दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप पाइपिंग बैग को घुमाएं। अब मैंने सुगर सिल्वर बॉल्स लिए हुए हैं, इससे उसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले बीच में जो नीचे का स्पेस रह गया है उस पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन और कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी और भी अच्छी डेकोरेशन करेंगे हम। अभी तो इस पर फ्लावर ही बनाए हैं बस, तो अभी इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने इस पर बॉल्स लगा दिए हैं। ये खाने वाले बॉल्स हैं, सिल्वर बॉल हैं, शुगर वाले। एक एक रख देंगे इस पर। अब फ्रेंड्स, इसकी बीच में भी डेकोरेशन करेंगे। तो मैंने इस पर कुछ कलर्स बॉल डाले हुए हैं और बीच में हैप्पी लिख दिया है। बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे हैं तो मैंने उनकी वजह से बहुत ही जल्दी की है। ये कलर बॉल ऑनलाइन मिल जाते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चारों तरफ से घुमा घुमा के इसी तरीके से इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी डेकोरेशन की है, किस तरीके से की है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सुपर सॉफ्ट केक बन के हमारा तैयार हो गया है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, बहुत ही कम समय में, और बहुत ही अच्छा सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको भी अगर किसी के बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे या किसी भी ओकेशन पे आपको केक बनाना है या न्यू ईयर पे बनाना है, जब भी आपको बनाना है तो आप इसी तरीके से एग्लेस केक बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। एक बार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Bye-bye.